वेलकम टू रेशन बॉक्स चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये है आपके लिए एक रक्सैक जो कि बड़ा सा ट्रेवल बैकपैक होता है और ये है हाइपर आदम का जो कि 65 लीटर का है। तो चलिए इसको खोलते हैं आपके लिए और हम देखेंगे कि ये कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैकिंग है वो कुछ इस तरीके से है, तो काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है इसकी और इसका लेंथ आप देख ही पा रहे हैं। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इसे खोलेंगे और आपको बताएंगे कि ये अंदर से कैसा है और उसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो ये बैग है वो कुछ इस तरीके की क्वालिटी और इस लेंथ के साथ आता है। तो अभी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले बॉटम की तरफ आ जाते हैं। तो बॉटम में हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलता है जिससे आप इसका लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो इसके अंदर आप चैन की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी चैन की क्वालिटी यहाँ पर दी गई है। तो फिर इस चैन को खोलते हैं और ये सर्कुलर जो चैन है इसके अंदर आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है जो कि यहाँ पे आप आराम से अपने शू को रख सकते हैं। शू रखने के लिए आपको दिया गया इतना स्पेस, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और चैन की क्वालिटी आपको दिखी रही है। उसके बाद चलिए चलते हैं मिडल की तरफ। तो मिडल पर आप देख पाएंगे कि आपको एक मिडल में ये कंपार्टमेंट मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे भी आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं, कोई भी फूड आइटम्स है जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे, ये आपके उस स्पेस को सबसे यूटिलाइज हो जाएगा। फिर चलते हैं टॉप की तरफ। तो जब टॉप की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि टॉप में आपको यहाँ पे एक चैन मिलता है जिसमें वो भी काफ़ी स्पेसियस है। आप चाहें तो अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो भी हैं क्विक एक्सेस वाली चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इसकी भी चैन की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पे भी आपको इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट्स दिख जाते हैं जिससे इसको आप एडजस्ट करके इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और बात करते हैं अंदर की, तो अंदर देखेंगे तो अंदर आपको कुछ इस तरीके का एक ये इसको टाइट और लूज़ करने के लिए एक तरीके का अरेंजमेंट मिल जाता है। और ये रहा उसका चैन, ये अंदर वाले चैन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप अंदर देखेंगे तो अंदर यहाँ पर काफ़ी गहरा स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्पेस अवेलेबल है आपकी चीज़ों को रखने के लिए। और साथ में आपको अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप यहाँ पे लैपटॉप भी रख सकते हैं। लैपटॉप के लिए भी उन्होंने यहाँ पे एक स्पेस दे के रखा है यहाँ पे, ये स्पेस आप लैपटॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करें इसके साइड पॉकेट्स की, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक साइड पॉकेट है जहाँ पे वाटर बॉटल और दूसरे साइड पॉकेट में कोई भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। और ये आपको आपके वेस्ट पर एक लगा हुआ एक स्मॉल पॉकेट आपको ये मिल जाता है जो कि छोटे क्विक एक्सेस चीज़ों को रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो और आप देख सकते हैं इसका जो ये डिज़ाइन है इस तरीके का, तो यहाँ पे आपको आप कोई भी चीज़ें अटैच कर सकते हैं टॉप में या बॉटम में। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन बैग है गाइस। तो आप इस तरीके के जो ट्रेवल बैग्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर इसे बाय कर सकते हैं। इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको भेज दूंगा। और उसके साथ साथ ही ये इसकी क्वालिटी मैंने काफ़ी लोगों से पूछी है और रिव्यू के लेने के बाद ही मैंने इसे परचेज़ किया है। तो आप निश्चिंत रहेंगे इसकी क्वालिटी के बारे में और मैं इस तरीके की वीडियोस और लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट दैट विच टाइप ऑफ वीडियोज़ यू वॉन्ट एंड एनी फीडबैक्स। थैंक यू।